मीरब्स किचन। आज मैं आपके साथ मैंगो मिल्क की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये इजी सा और यमी सा ड्रिंक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आम लिए हैं 3 अदद, आप अपनी जरूरत के हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हैं। और इस ड्रिंक को मैं विदाउट मशीन बना रही हूँ। सबसे पहले हम इसका पल्प निकाल लेंगे। और ये बहुत ही कॉमन इसकी डिजाइनिंग है, जिसको हम ऐसे किसी भी पार्टी में या कोई भी मैंगो का हम डिजर्ट वगैरह बनाते हैं उसकी डेकोरेशन के लिए हम इसको भी ऐसे बना के रख सकते हैं। अब मैं इसका पल्प निकाल लूंगी। इससे पहले भी मैंने आपके साथ मैंगो प्यूरी की रेसिपी शेयर की हुई है, तो उसका लिंक भी मैं आई कार्ड में दूंगी, वो भी आप जरूर देखें। तो इसी तरह से मैं दूसरे आम की भी प्यूरी अलग कर लेती हूँ, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इसी तरह से आपने गुठली के साथ से भी अच्छी तरह से गूदा उतार लेना है, और बहुत ही केयरफुली आपने हाथ को बचाते हुए। अच्छी तरह से सारा पल्प हम इसके साथ से उतार लेंगे। इससे पहले भी मैं आपके साथ मैंगोज के बहुत सारे डिजर्ट शेयर कर चुकी हूँ, तो इनका लिंक मैं आई कार्ड में दूंगी, वो भी आप जरूर देखें। तो ये गूदा अच्छी तरह से हमारा सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसे मैशर के साथ मैश कर लूंगी, क्योंकि मुझे इसकी बिल्कुल प्यूरी नहीं चाहिए, थोड़े से इसके चंक्स भी चाहिए साथ साथ। अब इसमें मैं 4 टेबलस्पून चीनी के ऐड करूंगी, और आपने चख लेना है, अगर आम मीठे हैं बहुत ज्यादा तो आपने चीनी कम रखनी है, और वैसे भी आप मीठा अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हैं। चीनी मैं इसमें मिक्स कर लूंगी और इसे 5 से 10 मिनट के लिए रखूंगी, ताकि अच्छी तरह से इसमें चीनी मिक्स हो जाए। चीनी हमारी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुकी है, तो हम इसे ग्लासेस में सर्व करते हैं। इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध मैंने पैकेट वाला लिया है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप भी पैकेट वाला दूध यूज करें, अगर नहीं तो आप फ्रेश मिल्क से भी इसे बना सकते हैं। यमी से मैंगो मिल्क की रेसिपी तैयार है। तो आप भी इस यमी सी रेसिपी को बनाएं और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।